कि विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। आन है ये बान है ये शान हिंदुस्तान की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। कहा है बंधुओं, भक्त कहता है कि अरे हमारी आन बान शान सारे भारतवर्ष की इसी से तो है, जो राम जन्मभूमि सारे संसार में विख्यात है, सारे संसार में पूज्य मानी जाती है, वंदनीय मानी जाती है। क्यों? विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि श्री राम की, आन है ये बान है ये शान हिंदुस्तान की। अब देखिए, आप वैसे इस भूमि का नाम अवध है बंधु। अवध का तात्पर्य यही है कि जहां किसी का वध ना हो। अरे उसी को तो अवध कहते हैं, जहां किसी का वध ना हो। लेकिन अवध में देखिए आप, अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा वध हुए। जिसका नाम अवध है वहां देखिए आप, कई बार आक्रमण हुए उस अयोध्या पर। यवनों ने कई बार इस पर आक्रमण भी कर लिए, नापाक इरादे वालों ने हर जुर्म हजारों कर लिए। लेकिन अयोध्या में देखिए आप क्या है, अयोध्या आज भी अयोध्या है, जब भी अयोध्या थी आज भी अयोध्या है। कि मर गए पर जाने ना दी आन अपनी शान की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। सारे संसार में विख्यात है, वंदनीय है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है, लीला भूमि, पवित्र भूमि इसीलिए मानी जाती है। क्यों? आज का समय देखिए आप, आज कभी जो अवध था, लेकिन आज इस समय की बात, लाखों बध होते अवध में एक कैसा अपवाद है। क्यों? कैसा सत्य असत्य में अब अनसुलझा एक विवाद है। अवध में ऐसा विवाद पड़ा कि आज तक सुलझ भी नहीं सका। अरे हीरा ये कुरुक्षेत्र है, अगर कुरुक्षेत्र है तो बारी है बलिदान की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की, विश्व में विख्यात है।
है ये पान है और शान हिंदुस्तान की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। सोचिए बंधुओं, विचार करने की बात है, जिस अवध में अनेकों बार आक्रमण किए गए, कैसे यवनों ने कई बार इस पर आक्रमण भी कर लिए, नापाक इरादे वालों ने हर जुल्म हजारों कर लिए, लेकिन यहाँ के भक्त देखिए आप, जो अयोध्या पर मर मिटने के लिए तैयार है, मर गए पर जाने ना दी आन अपनी शान की। इसीलिए तो कहा है कि विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि।